गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं, रेडॉक्स जो चैप्टर चल रहा है अपना, उसी के अंतर्गत है। छोटे से तीन टॉपिक हैं जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये है असमानुपातन अभिक्रिया। इन तीन टॉपिक में एक टॉपिक है हमारा असमानुपातन अभिक्रिया, एक है ऑक्सीकरण अंक धारणा की सीमाएं और एक है अपचयोपचय अभिक्रिया पर आधारित अनुमापन। तो ये तो बेकार की चीज ही है। एक यहां पे सर एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो ये जरूर थोड़ा समझने लायक है और अच्छी चीज है असमानुपातन अभिक्रिया। तो सबसे पहले अपन इसी की बात करते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, कई बार हमने बात की थी कि जब भी कोई रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होता है, यानी किसी के ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है तो किसी के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। यानी ये तो कंफर्म है कि ऑक्सीकरण अंक में कमी और वृद्धि होगी। लेकिन यहां पे असमानुपातन, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी ऑक्सीकरण अंक में कमी और वृद्धि होगी, पर किसी एक ही परमाणु के ऑक्सीकरण अंक में, किसी एक ही तत्व का ऑक्सीकरण अंक जब वृद्धि भी करे और उसी अभिक्रिया में उसकी ऑक्सीकरण अंक की कमी भी हो, तब ऐसी अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलो आइए हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। ये देखिए, 2H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड है। ये क्या है? हाइड्रोजन परोक्साइड। और जब मैंने आपको ऑक्सीकरण अंक वाला टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो परोक्साइड्स होते हैं वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, अपवाद में इसकी बात की थी अपन ने। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण जो अंक है यहां पे वो है -1। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि -1 कैसे है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। HOOH ये फॉर्मूला है, ये H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ऑक्सीजन परमाणु ले लेगा, तो -1 चार्ज आ गया। यहां पे भी क्या होगा? यही होगा। तो इस पे भी क्या आ गया? -1 चार्ज आ गया। इन दोनों के आपस में ये बीच में वाला बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉनों का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा बीच में। तो इस पे कौन सा चार्ज आया? -1। इस पे भी -1 चार्ज आया, इसलिए इस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना हो गया? -1। तो इस तरीके से परोक्साइड के अंदर जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। चलो अब रिएक्शन में ये क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स बना, H2O प्लस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकला, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर इस ऑक्सीजन के अपन बात करें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो देखिए H बॉन्ड O H यही फॉर्मूला है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, ठीक है, और इसका भी ले लेगा ये वाला ऑक्सीजन, तो टोटल कितना हो गया? -2। इसलिए इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, इस जल के अणु में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है? -2 है, ठीक है। यहां पे O2 है, ये तो अणु है, समान परमाणुओं से बना हुआ अणु है, दो समान परमाणु है ऑक्सीजन के, और मैंने आपको बताया था कि जब समान परमाणु से बना हुआ अणु होता है तो उनका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पे इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या है? 0 है। तो अब आप देखिए कि ये ऑक्सीकरण अंक -1 से क्या हो गया? -2 हो गया, मतलब कि कमी हो गई, ठीक है। और यहां से अगर इस ऑक्सीजन पे जाएं हम, -1 से 0 हो गया, मतलब कि वृद्धि हो गई। तो आपको पता चल ही गया ना कि इस ऑक्सीजन तत्व के ऑक्सीकरण अंक में कमी भी हो रही है और वृद्धि भी हो रही है इस अभिक्रिया में। तो एक ही तत्व के ऑक्सीकरण अंक में कमी भी हो रही है और वृद्धि भी हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? असमानुपातन अभिक्रिया, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड टॉपिक हमारा है
ऑक्सीकरण अंक धारणा की सीमाएं, जो ऑक्सीकरण अंक हमने पढ़ा है इसकी क्या सीमाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऑक्सीकरण अंक से पहले हम इनको एक तरीके से लेते थे संयोजकता, वैलेंसी की इसकी संयोजकता इतनी, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए, फिर विचार थोड़ा थोड़ा बदला, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो के इलेक्ट्रॉनों का साझा बॉन्ड बनाने के आधार पर चार्ज जो आएगा उसको हम ऑक्सीकरण अंक बोलने लग गए, ठीक है ना। तो सीमा तो कोई ऐसा है नहीं कि ये है, पर ये प्रोसेस जारी है आज भी जो है, हो सकता आने वाले टाइम में और कुछ चेंजेज हो जाए इसमें, तो कह नहीं सकते हैं, समय के साथ साथ जो है परिवर्तन होता जा रहा है। संयोजकता से ऑक्सीकरण अंक आ गया, अब ऑक्सीकरण अंक से हो सकता कुछ और आ जाए तो चल रहा है, तो इसी टाइप की ये कुछ सीमाएं हैं कह सकते हैं, बाकी और कोई स्पेशल सीमा है नहीं, ठीक है। अपोक्ष अभिक्रिया पर आधारित अनुमापन, देखो अनुमापन का मतलब है ट्राइट्रेशन, तो ये प्रैक्टिकली चीज है, ये प्रैक्टिकल के अंदर हमारा जो सिलेबस है 12th क्लास में प्रैक्टिकल का, तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है अनुमापन, ठीक है, ट्राइट्रेशन की जाती है। तो वहां पे जो अनुमापन हो रहा है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण अंक यानी कि ऑक्सीकरण अंक में कमी और वृद्धि होती है, कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है एक कंपाउंड, दूसरा ग्रहण कर रहा है, जिससे उनके चार्ज में परिवर्तन हो रहा है, उनके ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि सॉल्यूशन का पीएच बदलता है, ठीक है, एक एंड पॉइंट पे जाके उसका पीएच जो है उसमें कलर चेंजेज हो जाता है, तो कलर चेंजेज हो जाता है उस बेस पे हम क्या करते हैं कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, ठीक है, कब एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम हो रहा है कुछ ऐसा, तो वो डिपेंड करता है किस पे, ऑक्सीकरण अंक पे ही, ऑक्सीकरण अंक पे इलेक्ट्रॉनों के लेन देन पर ही, ठीक है। तो अनुमापन के अंदर भी हमारा ये जो ऑक्सीकरण अंक है यानी कि अपोक्ष अभिक्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जो एंड पॉइंट पे पीएच बदलेगा, ठीक है, जिससे सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा, तो ये अनुमापन का सारा प्रोसेस किस पे डिपेंड हो गया, एक तरह से अपोक्ष अभिक्रियाओं पे, रिडॉक्स अभिक्रियाओं पे हो गया है, ठीक है। तो अनुमापन भी इस अनुमापन के अंदर भी ये चीज काम आ रही है। ये दोनों टॉपिक ऐसा कुछ खास नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने फिर भी आपको बता दिया है, पर ये जो है असमानुपातन अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट।